जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। बच्चों आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 चेंजिंग टाइम्स, यानी कि कैसे कैसे बदले घर का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा था, तो शायद आपको उस कहानी को याद होगा, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से उसको रिवाइज कर दूं। बच्चों उसमें एक व्यक्ति था जो अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी हमें बता रहा है। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? चेतन दास। वो जो है कहाँ रहता था? पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो वे कहाँ पर आ गए? दिल्ली आ गए, और दिल्ली में जो है वो कैंप में कुछ दिन रहे। उसके बाद उन्हें सरकार ने जो है उन लोगों को सोना गांव में जमीन दिया। तो चेतन दास जी अपने अम्मा बाबा के साथ वहां पर रहने गए। तो वहां जाने से पहले उन्होंने सुंदर सा एक घर बनाया, कच्चा घर बनाया था। तो उन्होंने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया था उस घर को बनाने में? मिट्टी, लकड़ी, गोबर, भूसा और कुछ बोरियों का इस्तेमाल करके उन्होंने एक कच्चा घर बनाया था, लेकिन बहुत ही सुंदर बनाया था, और उसमें वे लोग रहने लगे। समय बीतता गया और चेतन दास जी बड़े हो गए, उनकी नौकरी भी लग गई, पढ़ाई भी खत्म हो गया, अब उनकी शादी का समय आ गया। तो शादी से पहले वो चाहते थे कि वो जो है एक कमरा और ले ले, छोटा सा घर था। तो उन्होंने अपने अम्मा बाबा की सलाह से एक कमरा निकाल दिया, लेकिन जब वो एक कमरा अलग से निकाला तो उन्होंने उसे पक्का बनाया था, यानी कि उसका जो छत था सीमेंट और लोहे से बनाया था, और दीवार में जो है कच्ची ईंट लगा दिया था ताकि बार बार उसको लिपने का जरूरत ना पड़े। और उस समय जो है सब टॉयलेट के लिए कहाँ जाते थे? खेती में जाते थे। लेकिन कुछ लोग जो है अपने घर के पीछे में जो है कच्चा टॉयलेट बनाते थे। तो चेतन दास जी भी ने अपने घर के पीछे में एक कच्चा टॉयलेट बना दिया, और उनकी शादी जो है सुमन से हो गई। समय फिर बदलता गया, चेंज होते गया, और उसके बाद क्या हुआ, उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी की शादी उन्होंने करवा दिया। उसके बाद जब बेटा राजू की शादी की बारी आई तो उन्होंने सोचा कि शादी से पहले मैं घर को, इस ये जो कच्चा घर है इसको मैं पूरी तरह से पक्का बना लूं, और उन्होंने उस घर को पक्का बना दिया, यानी कि पूरी तरह से पक्का ईंट, पत्थर, लोहे और सीमेंट से जो है घर बना दिया, और नीचे फर्श में उन्होंने टाइल्स भी लगा दिए, और उसके बाद उन्होंने एक टॉयलेट भी बना दिया पक्का, और उसके बाद फिर उन्होंने एक किचन भी बना दिया जो पक्का था। पहले उनका किचन जो है आंगन में था और वो भी चूल्हा था, और अब जो नया घर बना उसमें उन्हें बहुत बड़ा एक किचन बनाया, रसोई घर बनाया, और उसमें गैस भी लगवा दिया। बच्चों अभी आपने देखा कि समय के साथ कैसे कैसे घर बदलता गया। पहले कच्चा घर था और उसी को उन्होंने मॉडिफाई करते करते उसे पक्का बना दिया। तो देखा बच्चों आपने, बदलते समय के अनुसार हमारी जरूरत भी बढ़ती है, और घर का जो है घर भी हम जो है अलग अलग तरह से बनाते। तो चलिए बच्चों हम आगे क्या कह रहे चेतन दास जी देखते हैं, नई नई चीजें। बच्चों आगे चेतन दास जी क्या कह रहे हैं? मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। उनका 2 बेटे और बेटी थी, तो उनके जब छोटे बेटे की नौकरी लगी तो वो कहाँ पर जाकर रहने लगा? दिल्ली जैसे बड़े से शहर में रहने लगा, और वो वहीं पर बस गया। उसकी शादी भी हो गई और वो पूरे परिवार के साथ कहाँ पर रहने लगा? दिल्ली में। मैं और सुमन कभी मोंटू के पास दिल्ली में रहते हैं तो कभी राजू के पास सोना। आगे चेतन दास जी क्या कह रहे हैं बच्चों कि वो कभी जो है छोटे बेटे मोंटू के पास दिल्ली में रहने चले जाते हैं, और कभी राजू के पास सोना गांव में भी रहने चले जाते हैं। मैं सोना से जब दिल्ली जाता हूँ तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता है।
आगे चेतन दास जी क्या कह रहे हैं, जब सोहना गांव से दिल्ली जाते हैं तो उनको रास्ते में कौन सा शहर आता है, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है बच्चों, हरियाणा में है। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। बच्चों ये आप लोग देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये बहुमंजिला इमारतें हैं। तो चेतन दास जी कह रहे हैं कि मेरे देखते ही देखते इतने सालों में कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है और वो भी इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनाया। राजू कहाँ रहता था, सोना गांव में रहता था, तो उस समय भी वे जो है टॉयलेट बनवाया था, लेकिन दोबारा टॉयलेट राजू ने बनवाया। उसने बाथरूम में रंगीन टाइले भी लगा ली, तो उस बाथरूम को उसने मॉडिफाई किया और उसने भी जो है कलर कलर वाले टाइल्स भी लगवा दिया और नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्चा करा। तो चेतन दास जी कह रहे हैं देखो उसने जो है बेकार में ही बाथरूम के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया। मैं अब 70 वर्ष का हूँ, इतने सालों में मैंने अपने घर में ही कितने बदलाव देखे हैं। बच्चों अब चेतन दास जी की उम्र कितनी है, 70 साल का है। जब वो पाकिस्तान से दिल्ली आया था तो उनकी उम्र कितनी थी, 9 साल का था। अब उनकी उम्र जो है 70 साल हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे देखते ही देखते इतने सालों में मैंने बहुत सारे बदलाव देखे हैं। पता नहीं मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ रहना चाहेंगे और कैसा होगा उनका घर। पता नहीं डेरा गाजी खान में अब कैसे मकान होंगे, मेरे सभी दोस्त भी कहाँ होंगे। आगे चेतन दास जी कहते हैं मुझे ये नहीं पता कि मेरे पोता पोती बड़े होकर कहाँ पर रहेंगे और उनका घर कैसा होगा और वो कहाँ से आया था, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान कहाँ है बच्चों, पाकिस्तान में। तो वो कह रहे हैं कि मैं जब डेरा गाजी खान से आया था तो अब वहाँ का मकान कैसे होंगे और मेरे दोस्त कहाँ पर होंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये सब जो है हमें कौन बता रहा है, चेतन दास जी बता रहे। तो चलिए बच्चों हम कुछ प्रश्न देखते हैं। तुम्हारा अपना मकान किन किन चीजों से बना है। बच्चों आप सभी अपने अपने घर में रहते होंगे, तो आपका मकान आपका घर किन किन चीजों से बना है आपको लिखना है। चलिए बच्चों उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों देखिए तुम्हारा अपना मकान किन किन चीजों से बना है, सीमेंट रेत ईंट पत्थर लोहा टाइल्स, इन चीजों से जो है घर बना है। चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीजों से बना है, दोनों में क्या कोई अंतर है, लिखो। बच्चों आपके दोस्त का मकान किन किन चीजों से बना है तो उसे आपको लिखना है। आपके दोस्त का मकान भी सीमेंट रेत ईंट पत्थर लोहा टाइल्स की जगह जो है, दोस्त कौन सा लगाया था टाइल्स की जगह पर, उसने जो है मार्बल लगाया था। तो दोस्त का मकान किन किन चीजों से बना था, सीमेंट रेत ईंट पत्थर लोहा मार्बल, इन चीजों से बना था। दोनों में क्या कोई अंतर है, हाँ दोनों में एक अंतर है। क्या है बच्चों, टाइल्स की जगह जो है दोस्त ने क्या लगाया था, मार्बल लगाया था, यही अंतर था। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। आपके विचार से जो है आपको बताना है कि चेतन दास जी के पोते पोती जब बड़े होंगे तो वो कैसे मकान में रहेंगे। तो चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। वे लोग शहरों में सीमेंट तथा लोहे से बनी बहुमंजिली इमारतों में रहेंगे। तो कहाँ पर रहना चाहेंगे वो लोग, एक तो सबसे बड़े बड़े शहरों में लोग रहना चाहेंगे और बहुमंजिली इमारतों में रहना चाहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है तुम बड़े होकर
कहां और कैसे मकान में रहना पसंद करोगे? बच्चों इसका उत्तर आपको स्वयं लिखना है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप जो है कहां पर रहना पसंद करेंगे और कैसे मकान में रहना पसंद करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमने अपने दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनाने में इस्तेमाल हुई चीजें लिखी थी, क्या उनमें से कुछ चीजें तुम्हारा घर बनाने में भी इस्तेमाल हुई है? कौन कौन सी? तो बच्चों जब पहले के जो मकान बना था उसमें जो मटेरियल्स यूज हुआ था, तो क्या वो मटेरियल्स आज भी आपके घर जो बनाया हुआ था उसमें यूज हुआ है? चलिए उत्तर देखते हैं। हाँ, उनमें से कुछ चीजें जैसे ईंट, सीमेंट तथा लकड़ियों का उपयोग मेरे घर बनाने में भी हुआ है। किन किन चीजों का उपयोग हुआ है? ईंट, सीमेंट, लकड़ी, इन सब चीजों का उपयोग हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। चित्र को देखकर तालिका में लिखो लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, वे किन किन औजारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो लोग क्या काम कर रहे हैं और कौन से औजार यानी कि कौन सा टूल्स वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो काम कर रहे हैं उनको हम किन नामों से बुलाएंगे, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है एक व्यक्ति जो है हत्थों से जो है सीमेंट को मिला रहा है, दूसरा क्या कर रहा है सीढ़ी द्वारा जो है ऊपर तक उसे पहुंचा रहा है, यहाँ पर जो है एक व्यक्ति बिजली का काम कर रहा है। बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति जो है पाइप यानी कि पानी का काम कर रहा है, तो बच्चों हम इन लोगों को किन नाम से बुलाएंगे चलिए देखते हैं। पहला है काम, दूसरा है औजार और किस नाम से बुलाया जाता है। तो पहला काम में क्या है, सीमेंट और रेत मिलाना। यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, सीमेंट और रेत को मिला रहे हैं। तो उन लोगों ने कौन कौन सा औजार इस्तेमाल किया है? फावड़ा, फावड़ा जानते हैं ना बच्चों, हत्थू को हम लोग बोलते हैं। दूसरा है करनी, ये जो ऊपर सिर में रख के ले जा रहा है इसको हम करनी कहते हैं। और इनको हम किन नामों से बुलाएंगे, इनको हम कहेंगे मजदूर और है मिस्त्री। ऊपर में जो है जो सामान वो पहुंचा रहे हैं तो मिस्त्री नेशन जो है उसको वहां पर दीवार बनाएंगे या छत जो भी काम करेंगे उनको हम मजदूर कहेंगे या मिस्त्री कहेंगे। दूसरा काम क्या है बच्चों, बिजली का काम। ये देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति जो है बिजली का काम कर रहे हैं, उनका औजार क्या क्या है, बिजली के तार और पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर। और इनको हम किन नाम से बुलाएंगे, इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रिशियन। तीसरा बच्चों पाइप का काम, ये देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति जो है पाइप का काम कर रहे हैं, इसके पास कौन कौन से औजार है, पाइप एवं कटर। और इनको हम किन नाम से बुलाएंगे, इनको हम कहेंगे प्लम्बर। आगे देखते हैं बच्चों, अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उनके उत्तर लिखो। बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, देखते हैं आप में से कितना जवाब देते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, बिल्डिंग का नक्शा कौन बनाता है? हम सब घर में रहते हैं, सब बिल्डिंग में रहते हैं, तो बिना नक्शा का तो घर नहीं बनेगा, तो वो जो मैप है बिल्डिंग का वो कौन बनाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, आर्किटेक्ट, क्या कहेंगे, आर्किटेक्ट। दूसरा प्रश्न है बच्चों, क्रेन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्रेन देखा है ना बच्चों, उसका उपयोग जो है हम क्यों करते हैं? क्रेन का उपयोग भारी वस्तुओं को ऊपर पहुंचाने के लिए किया जाता है, मतलब बहुत भारी वस्तु होगा उसको नीचे से जो है ऊपर तक ले जाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रेन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, 60 सालों में चेतन दास का मकान बनाने में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हुआ है उन्हें सही क्रम में लिखो। बच्चों अब जो है चेतन दास जी का उम्र
70 हो गया था, ने बताया था। तो उन्होंने जो है इतने सालों में जितने भी मकान बनाया तो उनमें किन किन चीजों का इस्तेमाल हुआ है, हमें उसको सही क्रम में लिखना है। तो पहले उनका घर क्या क्या से बना था? मिट्टी, बांस, पुआल आदि चीजों से जो है उन्होंने कच्चा घर बनाया था। उसके बाद उन्होंने लकड़ी, नट बोल्ट, बांस और लोहे की पाइप से जो है घर बनाया। नेक्स्ट उन्होंने सीमेंट, बालू, लकड़ी, लोहे की छड़ आदि डाल दी। जब राजू जो है घर बनाया था तब उन्होंने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया। और बाद में उन्होंने जब उनका छोटा बेटा जब घर बनाया तब वो कैसा था? सीमेंट, रेत, लोहा, प्लास्टिक, संगमरमर इत्यादि चीजों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो बच्चों आपने देखा कि समय के साथ साथ घरों में भी परिवर्तन होता गया और अलग अलग चीजों से जो है घर बनता गया। आगे देखते हैं बच्चों क्या है। लोगों के कामों के अनुसार उनके नाम लिखो। बच्चों यहाँ पर आप बहुत सारे पिक्चर देख रहे हैं, इसमें लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको इनके कामों को देखकर उनके नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं ये जितने भी लोग हैं वे क्या क्या काम कर रहे हैं। पहला पिक्चर में क्या देख रहे हैं बच्चों आप लोग? यहाँ पर एक व्यक्ति है वो जो है लकड़ी का काम कर रहे हैं। तो इनको हम किन नाम से पुकारेंगे? इनको हम कहेंगे कारपेंटर, यानी कि बड़ा। दूसरा पिक्चर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कौन है बच्चों? ये जो है डॉक्टर है और डॉक्टर जो है मरीज का इलाज कर रहा है, तो इनको हम किन नाम से जानेंगे? डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है हल जोत रहा है, तो इनको हम किन नामों से जानते हैं? इनको हम कहेंगे किसान, यानी कि फार्मर। पिक्चर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है मिठाई बना रहा है, देखिए कैसे जलेबी बना रहा है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हलवाई, स्वीट मेकर, इनको हम कहते हैं हलवाई। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है पाइप का काम कर रहा है, तो इनको हम किन नाम से जानेंगे? इनको हम कहते हैं प्लम्बर। आगे देखते हैं बच्चों, ये व्यक्ति जो है मशीन में बैठा है और कुछ सिलाई भी कर रहा है, उसके अगल बगल कुछ कपड़े भी दिख रहा है। तो ये व्यक्ति को आप सबने कहीं ना कहीं देखा होगा, आप लोग यूनिफॉर्म बनाते हैं तो किसके पास जाते हैं यूनिफॉर्म बनाने के लिए? आप टेलर के पास जाते हैं ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? दर्जी। इनको हम क्या कहते हैं? दर्जी, यानी कि टेलर। तो बच्चों ये सभी लोग जो है कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और इनको जो है इनके कामों के अनुसार इन नामों से हम इन्हें जानते हैं। जैसे लकड़ी के काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? बढ़ई। और जो लोग मरीज का इलाज करते हैं उनको हम क्या कहेंगे? डॉक्टर। और जो हल जोतते हैं उनको क्या कहते हैं? किसान। और जो मिठाई बनाते हैं उनको हलवाई। और जो पाइप का काम करते हैं उनको कहते हैं प्लम्बर। और जो कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं उनको हम कहते हैं दर्ज। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, हम सही शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों यहाँ पर यहाँ बॉक्स में जो है कुछ शब्द आपको दिया गया है, उनमें से जो सही शब्द है उसको आपको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। क्या क्या शब्द दिया गया है? बैठक कक्ष, पूजा घर, रसोई घर, स्नान घर, यह है शयन कक्ष और यह है अध्ययन कक्ष। बच्चों ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा,
ये हमारे घर में जो अलग अलग कमरे होते हैं उनका नाम है। बैठक कक्ष, पूजा घर, रसोई घर, स्नान घर, शयन कक्ष और अध्ययन कक्ष। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों, जहाँ हम पूजा करते हैं। बच्चों ये है एक कमरा है घर के अंदर में जहाँ पर हम पूजा करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं इसमें से ढूंढना है आपको। तो इसमें से कौन सा शब्द आएगा, पूजा घर। उनको हम क्या कहते हैं, पूजा घर। दूसरा देखिए बच्चों, जहां हम खाना बनाते हैं। बच्चों ये है, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी घर में एक कमरा होता है घर का, यहाँ पर हम खाना बनाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, हाँ रसोई घर। इसको हम क्या कहते हैं, रसोई घर। तीसरा है बच्चों, जहां हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। बच्चे हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो उनको हम कहाँ बैठाते हैं, उनके लिए भी कमरा होता है ना, घर के सबसे एंट्रेंस वाला जो कमरा है उसको हम क्या कहते हैं, बैठक कक्ष। तो अतिथियों को हम कहां पर बैठाते हैं, उनका स्वागत कहां पर करते हैं, बैठक कक्ष में। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जहां हम पढ़ाई करते हैं। बच्चों पढ़ाई करने के लिए भी अलग से कमरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, को हम कहते हैं अध्ययन कक्ष, यानी कि स्टडी रूम। इसको हम कहते हैं अध्ययन कक्ष। नेक्स्ट चलिए बच्चों देखते हैं, जहां हम नहाते हैं। बच्चों नहाने का भी अलग से कमरा होता है ना घर में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्नान घर, यानी कि बाथरूम। इसको कहते हैं स्नान घर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जहां हम सोते हैं। ये कमरा ज्यादातर आपको बहुत पसंद होगा, क्यों, वहां पर हम जाकर आराम करते हैं। तो इस रूम को हम क्या कहेंगे, इस कमरे को, इसको कहते हैं हम शयन कक्ष, यानी कि बेडरूम। बच्चों अभी आपने देखा कि घर में जो अलग अलग कमरे होते हैं उनको अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। जैसे जहां पर हम पूजा करते हैं उसे पूजा घर कहते हैं, जहां हम खाना बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रसोई घर यानी कि किचन, जहां हम अतिथियों का स्वागत करते हैं उसको कहते हैं बैठक कक्ष यानी कि लिविंग रूम, जहां हम पढ़ाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अध्ययन कक्ष यानी कि स्टडी रूम, जहां हम नहाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्नान घर, बाथरूम। नेक्स्ट है, जहां हम सोते हैं उसे हम क्या कहते हैं, शयन कक्ष। तो बच्चों आपने देखा कि घर के अलग अलग कमरों के नाम। बच्चों बदलते समय के साथ जो है घरों में भी परिवर्तन होता गया। आपने देखा ना कैसे कैसे घरों में परिवर्तन हुआ। पहले चेतन दास जी कैसे रहते थे, पहले चेतन दास जी कच्चे घर में रहते थे, धीरे धीरे उनके घरों में परिवर्तन होता गया और वो जो है पक्का घर बनाकर उसमें रहने लगा। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मैंने जितने भी एक्सरसाइज किया है वो सब आप अपने अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों अभी आपने चेंजिंग टाइम्स यानी कि कैसे कैसे बदले घर का पार्ट टू पढ़े। उम्मीद है बच्चों आपको ये लेसन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी बच्चों, अगली क्लास में हम आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।